व्यंग रचना का शीर्षक है देश सुरंग में है। महामना मदन मोहन मालवीय से चले थे, अमित मालवीय तक आ गए। ज्ञान छाती पीट रहा है और विज्ञान माथा। प्रधानमंत्री ने विंड टरबाइन द्वारा हवा से पानी निकालने का आइडिया सुझाकर न सिर्फ हवा को पानी पानी कर दिया बल्कि पानी की भी हवा निकाल दी। नरेंद्र मोदी जी अब तक के भारतीय प्रधानमंत्रियों में इसलिए अनूठे हैं कि बाकी सब ने सिर्फ काम किया, ये काम करें न करें मनोरंजन जरूर करते हैं। जैसे लॉकडाउन में ताली थाली पिटवा दी, जीएसटी के समय नगाड़ा कूटा और नोटबंदी से अर्थव्यवस्था का बैंड बजा दिया। ताजा मनोरंजन देखा, अटल सुरंग के उद्घाटन के समय खुली गाड़ी में सवार हो हाथ हिलाकर उस भीड़ का अभिवादन किया जो वहां थी ही नहीं। बिना भीड़ के हाथ हिलाकर अभिवादन करने के पीछे कारण है, प्रधानमंत्री रात दिन विदेश जाते आते रहे हैं। हवाई जहाज में एंट्री से पहले वे विदा करने वालों का हाथ हिलाकर अभिवादन करते थे। चूंकि कोरोना की वजह से हवाई यात्राएं बंद हैं, लेकिन हाथ हिलाकर अभिवादन की आदत पड़ गई। मोदी जी का काम और मनोरंजन इतना गड्ढमड्ड होता है कि वे काम भी कर रहे हों तो मनोरंजन लगता है। देश भी मजे ले रहा है क्योंकि हम भारतीय इस हद तक मनोरंजन धर्मी हैं कि यात्रा भी उस ट्रेन से करना पसंद करते हैं जो चले कम और सीटी ज्यादा बजाए। सुरंग का ऐलान वाजपेयी जी का था, शिलान्यास सोनिया जी ने किया और उद्घाटन मोदी जी के करकमलों से हुआ। लेकिन व्यक्ति पूजकों का मत है कि सुरंग का ऐलान शिलान्यास उद्घाटन सब एक ही दिन हुआ है। हुआ यूं कि अचानक मोदी जी का कहीं सुरंग बनाने का मूड हुआ। वे अपने कैमरामैन को साथ लेकर सीधे पहाड़ पर पहुंचे, खुली गाड़ी में सवार हो अभिवादन की मुद्रा में हाथ हिलाते हुए बढ़ते गए और सुरंग बनती गई। कई न्यूज एंकरों का दावा इससे भी बढ़कर है कि मोदी जी ने सुरंग पहले बनाई और उस पर पहाड़ बाद में रखा। खबर पढ़ी, बिना नाम लिए प्रधानमंत्री ने किया चीन पर हमला। मैंने एक मित्र से पूछा, क्यों भैया चीन का कितना जानमाल का नुकसान हुआ होगा? मित्र हंसकर बोला, हमला ट्विटर पर किया है। मुंह से चीन शब्द न निकल जाए इसलिए हमारे प्रधानमंत्री इन दिनों कोचीन, सियाचीन, नामचीन, समीचीन, अरवाचीन, प्राचीन तक नहीं बोलते। अटल टनल को लेकर गर्व किया जा रहा है कि दुनिया की सबसे लंबी सुरंग दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में है, जबकि हालात बता रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश दुनिया की सबसे लंबी सुरंग में है।